अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बड़े दिनों बाद आज का व्लॉग आ रहा है भाई। तो ये दोस्त हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। आज का दिन बड़ा खास है। क्या है भाई, आज है ट्रेलर लॉन्च। 13 फीचर फिल्म है जो कि हमने शूट की है। वो हम जा रहे हैं, ये सारे लड़के यहाँ पे रेडी होके आ चुके हैं। चलो चलते हैं। बड़ा याद किया होगा काफ़ी सारे लोगों ने कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो व्लॉग आ जा रहा है भाई। यार बड़े एक्साइटेड हैं कि हमारा काम बड़ी स्क्रीन पे चलेगा। आज हमारा शूट हुआ था, मदारी थी। जिस तरह मदारी में भी हमने काम किया था, लेकिन मदारी हमने शूट नहीं, उसका सिर्फ पोस्टर शूट किया था और VFX किया था उसके अंदर। लेकिन इसमें हमने शूट किया है भाई। इन्होंने फिर से पोस्टर डिज़ाइन किया है इस फिल्म का। ये भाई पहुँच गए हैं यहाँ पे अरीना। ये वाली बिल्डिंग है बैरिया टावर। जब भाई पार्किंग का पता नहीं था तो हमने गाड़ी ली अपने मैकडॉनल्ड्स के पास ही। कहाँ जाना है उस तरफ के। चलो चलो चलो। अच्छा यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, ये अरीना सिनेमा का। यहाँ से एंट्रेंस है। किस कौन से फ्लोर पे जाना है हमें भाई? 8वां। चले ये सेल्फ ऑब्सेस्ड जा रहा है बंदा। सैन एंड्रियास खाली पड़ा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ना इन्होंने धोखा दे दिया हमें। कुछ भी नहीं हो रहा इधर, लगता है हो रहा है भाई। अंदर हो रहा है, अंदर हो रहा है। चलो 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 चलो। वॉल तो देखें ज़रा, ये वॉल लगी हुई है आइस। अच्छा क्या देख रहे हैं हम? ये ढूंढो ढूंढो अपना नाम ढूंढो लिखा हुआ है मदारी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं भैया? ये डायरेक्टर साहब बैठे हैं नबील रहमान, ये मूसा। ठीक है भैया, इसी आँखें हो रही टिमटिम आ रही आँखें। ये आ गई हैं द स्टार ऑफ द शो। कैसी हैं आप? आई एम गुड। सिद्रा मूसा, क्या हाल है भैया? बहुत टाइम बाद ब्लॉग कर रहा हूँ भाई मैं आज। खुद ही नर्वस हो रहा हूँ अपने ही ब्लॉग पे। मैं रोज देख रहा हूँ यार। MMA फिल्म का लोगो नहीं मिला, वो मिल गया। आ जाओ। तो भाई अभी हमने पॉपकॉर्न और ड्रिंक्स, नगेट्स, बर्गर इन्होंने ऑर्डर किया है, फ्राइज। तो वेट कर रहे हैं अभी, बस 5 मिनट का वेट बोला। यहाँ से डिस्काउंट भी करवाया है 20% का। 8 बजे इनको वो करना है स्टार्ट, ट्रेलर लॉन्च 8 बजे स्क्रीनिंग स्टार्ट। अभी तो बस भी कर दिया करो जब तक वो व्लॉग। पारस भाई आ गए हैं भाई। और तो शुरू हो गया है सब? उस तरफ बैठ, उस तरफ पीछे बैठना। अभी भाई ये वलीमे में तैयार होके लड़के आ चुके हैं। अपना नाम बताएं भाई। उसामा हसन भाई। हम नहीं आ रहे प्रीमियर किसी भी नहीं आ रहे हो। ये अहमद भी आए हुए, धोखा हुआ हमारे ट्रेलर अच्छा। ये जो है वलीमे के लिए रेडी होके आए हुए नबील भाई का वलीमा। ये हम एपेटाइजर की तरह काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तकी भाई आ गए हैं भाई। वहाज भाई भी आ चुके हैं यहाँ पे भाई। तकी भाई आ चुके हैं, कुछ कहें। हमारी एक मूवी आ रही है 13, जिसके DOP हैं मेहदी अबरू साहब। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है और तमाम मेरी डायरेक्टर से रिक्वेस्ट है कि DOP अगर ले तो मेरे लिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके भी काम करते हैं। हाँ भाई देख लो।
चलेगा काम चाहिए। इतना सब कुछ मिस कर दिया हमने, तो टीम आ चुकी है, क्रू आ चुका है, कास्ट आ चुकी है, सब आ चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे मीडिया कवरेज चल रही है। टीपू भाई नजर नहीं आ रहे अभी। प्रोड्यूसर साहिबा आ गई हैं, बिल्कुल ही ग्लैम लुक में आई हुई है, यहाँ पे एकदम चेंज हो गई है बिल्कुल। आपसे मिलवाते हैं कनीज फातिमा एंड ये देखिए आप। आई एम कनीज फातिमा द प्रोड्यूसर ऑफ 13 प्रोड्यूसर चेक करें। अच्छा रेशल रेशल द सिंगर कैसी है आप? ठीक है उससे मेमोरीज रहे ना चले। अच्छा जी यहाँ पे इफ्रा आ चुकी हैं, यहाँ पे द स्टार ऑफ द शो जी, बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, finally landed on the right path. आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? The feeling is unstoppable. It's like a love story. जितना constipated face के साथ आपने बोला है। Because it's unstoppable. इनकी भी सुन लो। ये GTA San Andreas बन के आए हैं, ये विवेक हो रहे हैं ये। ओ सारे अपने सारे अपने तो अभी हम टेक ऑफ करने वाले हैं, अभी जा रहे हैं जहाज की तरफ है ना भाई, जा रहे हैं। तो आप कहेंगे हमने ये वाली सीट क्यों चूज की? वो इसलिए ताकि हमें सारी ऑडियंस पे हमारी नज़र रहे और बीच से हम लोग देखें, प्रीव्यू करें सीधा। ये सब बैठे हैं फ्रंट फेसिंग, सारे ऑडियंसेस की रिएक्शन हमारे कैमरा में कैप्चर होंगी, लेकिन बैक से बैक शॉट बनेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं इस फिल्म में जिन्हें अपना डेब्यू करने का मौका मिला, और कुछ ऐसे मंझे आर्टिस्ट हैं जिन्हें ऑडियंस बारहा देखना चाहती है। ये फिल्म नबील ने क्यों बनाई, एक्टर्स इसमें किस तरह काम कर रहे हैं, ऐसे सारे सवाल करने के लिए हमने एक क्यू एंड ए पे आपको अपना ट्रेलर भी दिखाएंगे। सो आप लाइट्स मेरी मैनेजमेंट से गुजारिश है ऑफ कर दें। शोर मचाओ। शहर से दो बैग मिले जिनसे दो लाशें बरामद की गई, और अब मजीद तीन बैग मिले हैं जिनमें मजीद तीन लाशें बरामद हुई हैं। बैक टू बैक मर्डर्स, ये सबका अपना अब खेल शुरू। और अहम किरदार अदा किया है, मुझे लगता है इनके बगैर ये फिल्म उस तरह से नहीं बन सकती थी, उसका आइडिया उसका एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था। ये मत डाल, इतना अच्छा इन्होंने कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कैप्टन ऑफ द शिप नबील लुत्फी। आज की तरह बैठे हैं लेकिन आपकी मोहब्बत बैठी है, ज्यादा मोहब्बत मुझसे करते हैं इसलिए यही मोहब्बत में देखना चाहता, कहीं हम में कमी रह गई। ओके सो बहुत सारा ये नबील ने फिल्म प्रोड्यूस रिटन और डायरेक्ट की है, और हम लोगों ने एक्टिंग की है जैसी करते हैं। तो अब आप लोगों के अगर कोई सवालात हैं, लेकिन वो आसान होने चाहिए, आप लोग पूछ सकते हैं।
नहीं है सवाल आते हैं तो हम लोग सेशन खत्म करते हैं। तो यार कुछ तो पूछो भाई। मूवी का दूसरा सवाल मेरा नबील से है कि मैं जरा सुनाना चाहूंगा आपको, ये बताओ वालेकुम। अच्छा मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि भाई दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं एक्ट कर रहा हूँ किसी मूवी में ना कोई, तो मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही थी कि मैंने सलीम भाई और तकी के साथ इतना टाइम स्पेंड कर दिया, टीपू भाई के साथ कर दिया, बाकी मैंने एक्टिंग क्या की, इनकी एक्टिंग क्या की तो मैं वैसे भी जीरो ही लगूंगा, लेकिन नबील का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पता नहीं उसने मुझ में क्या देखा कि इस फिल्म में कास्ट कर लिया और एक्टिंग करवाई ली, बाकी मेरी एक्टिंग अच्छी थी बुरी थी ये सलीम भाई कभी अगर हुआ तो बता देंगे, थैंक यू सो मच। चलो भाई ट्रेलर का सेशन ख़त्म हो चुका है, सब लोग अब निकलना है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा भाई, बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर लगा सबको, क्यों इन्हें सेशन भी बहुत ज़बरदस्त हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी तालियां दुल गार्डन गार्डन हो रहा है, सब निकल रहे हैं अब, सही है, तो हम भी कटते हैं बाहर। क्या फिल्म देखनी है? अभी भी फिल्म देखेंगे अभी। अच्छा लगा ट्रेलर और टीजर, और उसमें मेटी ने सिर्फ एक लट्टू पकड़ा और उसको ऐसे ऐसे घुमाया, मेरा कोई काम नहीं था, कुछ भी नहीं किया, लिटरली कुछ नहीं किया, सिर्फ बटन काम इसने किया, सिर्फ बटन दबाया और ऐसे ऐसे कुछ किया, कहीं कहीं वो कहीं वो हम दोनों तो ही थे, सब खुद ही होता है, कहीं हम दोनों के थे, ओके ओके थैंक यू बहुत मुबारक हो। क्या बोलूं मैं नवीन भाई, आप बताएं क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अगले तो जबान कहाँ बैठे ना यार, अब तो फादे बोले थोड़ा सा भी काम आ गया। तो भाई सबको खुदा हाफिज़ अलविदा कर दिया है, बस सभी चलते हैं, कुछ खापा करते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो आज खाना है हमारा अकील रज़ाक के साथ, वो खाना खिला रहे हैं आज हम गरीबों को, तो चलते हैं देखते हैं क्या खाते हैं। तो वीडियो हम एंड नहीं कर पाए थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो एंड करने से पहले मैं ये चीज़ दिखा दूँ कि MMA फिल्म का हमारा पेज है फेसबुक पे, ये आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, लिंक तो हमेशा होता ही है डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम अपलोड करते हैं, और BTS वगैरह फ़िल्म की ये पैकअप सेल्फी थी जब हमने 13 का पैकअप किया था जिस दिन, और काफ़ी सारे BTS इस तरह के हैं, ये ड्यूरिंग द शूट का BTS है, इसी तरह हम और भी मज़ीद BTS अपलोड करते रहेंगे, तो आप इस पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, जिस पे आप मज़ीद हमारी वीडियोस और बिहाइंड द सीन वीडियोस या पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा एक नया व्लॉग देखने का, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, और ये फिल्म 13 जो है डायरेक्टेड बाय नबील रहमान लुत्फी, ये रिलीज़ हो रही है 29th of September, मतलब इसी महीने के 29th September को रिलीज़ होने वाली है ये फिल्म, तो आप ज़रूर अपने नज़दीक सिनेमा में जाके ज़रूर देखें, और हमें हौसला दें कि हम आगे भी इसी तरह मज़ीद खूबसूरत काम करते रहें, और आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।